सही बुखारी और सही मुस्लिम की बहुत मशहूर हदीस है कि किसी भी जगह पर जब अल्लाह का अजाब आता है, खसूसन वबा की सूरत में, तो कई लोगों के लिए सज़ा होती है और बाकी लोगों के लिए अल्लाह की रहमत का वसीला होता है। इस हदीस में नोट करने वाली बात यह है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कुफ़ार के लिए नहीं कहा कि सब के लिए सज़ा होती है, किसी को जनरलाइज़ नहीं किया। मालिक यौमिद्दीन जज सिर्फ़ एक साथ है। इसका मतलब जब हम इस वक्त की कोरोना वायरस की वबा की बात कर रहे होते हैं तो हमने मुश्तरक तौर पर सबको जनरलाइज़ करके नहीं कहना होता कि ये उनके अमाल का नतीजा है या फिर ये उनके लिए सज़ा है, बिकॉज अल्लाह आलम हमने किसी के लिए कोई फतवा नहीं देना। लेकिन इस मुश्किल पीरियड में जो हम कर सकते हैं वो ये है कि इस हदीस के जो दो कैटेगरीज़ हैं उसमें दूसरी कैटेगरी के अंदर शामिल होने की कोशिश करें, यानी कि उन लोगों में जिनके लिए अल्लाह की तरफ से ये वबा रहमत का वसीला बन जाए। अब वो अल्लाह की रहमत के साए के अंदर आने के तरीके काफ़ी ज़्यादा हैं। आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, इस माहौल के पॉजिटिविटी को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लोगों को स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं, अपनी इबादत में मशगूल हो सकते हैं, अल्लाह से कनेक्शन दोबारा जोड़ सकते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में वीक हो जाता है। 1429 में इजिप्ट में ममलूक एरा के दौरान जब सुल्तान अशरफ के दौर में प्लेग आई तो इजिप्ट की ऐसी सूरत हाल हो गई थी कि पहनने को कपड़ा तक ना बचा था। वो वबा दुनिया की बदतरीन वबाओं में से एक थी और इस्लामी तारीख के एक बहुत मशहूर स्कॉलर जो कि हदीस की तशरीह भी करते थे, इब्ने हिजर, इसी दौर में मिस्र में ही आबाद थे। इब्ने हिजर ने इस वबा के अंदर अपनी तीन बेटियों को खोया और इस दुख और तकलीफ को रहमत का जरिया बनाते हुए उन्होंने अपनी सारी की सारी पेन को चैनल आउट किया अपनी स्टडीज में। उन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया लिखा हदीस का, जिसके अंदर वो लिखते हैं कि अगर किसी जगह पर वबा फूट पड़े और आप उस जगह पर अल्लाह के भरोसे, ये जानते हुए कि अल्लाह के विल के बगैर कुछ नहीं हो सकता और आपको कोई चीज़ तंग नहीं कर सकती, आप वहीं पर रहते हैं और इस सूरत हाल में आप उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं और मर जाते हैं, तो आपको शहादत का दर्जा मिलता है। इसकी वजह यह है कि आप उस हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे हैं कि जब किसी इलाके में वबा फूट पड़े तो उसके डर से उस इलाके से बाहर ना निकलो और अगर तुम लोग कहीं और हो तो उस इलाके के अंदर एंटर ना हो। सो सीरियसली एज मुस्लिम्स, कोई भी वबा, कोई भी क्लैमिटी अगर अल्लाह ताला की तरफ से आती है तो उसके हमारे सामने दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एंड वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग रहमत वाले एस्पेक्ट के अंदर जाएं। अब बात करते हैं माशरे में फैलने वाली मायूसी की और स्ट्रेस की, जिसका हर बंदा शिकार होता जा रहा है। इस चीज़ को याद रखें कि अपने ब्रेन को जो भी कंटेंट फीड करते हैं वो उसी के मुताबिक अपनी पूरी बॉडी को सिग्नल्स भेजता है। अगर आप इसको नेगेटिव 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 न्यूज़ से फिलअप करते जाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी को वही सिग्नल्स मिलेंगे जो कि आप यहाँ पर भेज रहे हैं। सो इन हालात के अंदर कोशिश करें कि न्यूज़ कम से कम देखें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करें, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आपको काम से छुट गया तो पूरा दिन आप बिस्तर पर बैठे न्यूज़ देखते रहेंगे। साइंस कहती है कि आप पूरा दिन एक जगह पर बैठे रहेंगे तो आप फिजिकली वीक हो जाएंगे, फिजिकली वीक होंगे तो आपकी इम्यूनिटी लो होगी, इम्यूनिटी लो होगी तो ऑब्वियसली आपकी मेंटल पावर भी लो होगी और ये सारी चीज़ें मिलकर स्ट्रेस का काज बनती है जो फिर फर्दर आपकी हेल्थ को डाउन करता है। मशहूर जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट का कहना है कि हम नेचर से मीनिंग ड्राइव नहीं करते बल्कि हम अपनी सोशल पोजीशन के मुताबिक नेचर को मीनिंग एस्क्राइब करते हैं। हम अपनी सोशल पोजीशन अपने आप को फीड करने वाले नॉलेज और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से बनाते हैं, और जिस तरह के नॉलेज और जिस तरह के लोगों में हम घिरे रहेंगे हम इस सारी सिचुएशन को मीनिंग भी वैसा ही देना शुरू हो जाएंगे। सो अगर आप अपने माइंड को अपने ब्रेन को कुछ अच्छी न्यूज़ देना शुरू कर देंगे तो आपके स्ट्रेस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ओनली हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, ओनली साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। सो इसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई करने का टाइम इससे बेहतर कोई नहीं है। तो अपने ब्रेन को नेगेटिव थॉट्स फीड करते जाएंगे तो उल्टा आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स पे मजीद बुरा असर डालेगी। इसी वजह से जो लोग कोरोना वायरस के शिकार नहीं भी हैं उनको सर दर्द, जिस्म में दर्द, बुखार, इन सारी शिकायत का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज उनका लाइफ स्टाइल इस कदर अनहेल्दी हो चुका है, उनका माइंड नेगेटिव न्यूज से इस कदर भर चुका है कि उनकी बॉडी कुछ और कर नहीं पा रही। सो ये लॉकडाउन पूरा दिन बिस्तर पर रहने का नाम नहीं होना चाहिए बल्कि ये टाइम आपको सारा उन एक्टिविटीज़ को देना चाहिए जिसके लिए हम हमेशा से बहाने बनाते आ रहे होते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, हमारे पास नफली इबादत का टाइम नहीं है, हमारे पास कोई नया स्किल सीखने का टाइम नहीं है, हमारे पास ये कोर्स करने का टाइम नहीं है। आपको नॉलेज गेन करना है, बुक्स पढ़ें, आपको डिजाइनर बनना है, कोई कोर्स करें, आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना थी, नाउ इज द करेक्ट टाइम। अगर आप इस लॉकडाउन के बाद एक लोअर ग्रेड का इंसान बन के सामने आते हैं तो ये प्लेग का कसूर नहीं है, इट इज टोटली अप टू यू। अपनी रूटीन्स को सेट रखें, अपने ऑफिस टाइम में ही रुकें, अपना ऑफिस टाइम एक मुख्तलिफ एक्टिविटीज को दें, कुछ स्किल सीखने में, कुछ नया गेन करने में, बिकॉज कोरोना वायरस का शिकार होना इज वन थिंग पर आप अपनी ही बनाई हुई दकियन उसी का शिकार हो जाएंगे तो दैट इज मोर टेरेबल देन दैट। और फिर इसके बाद बात आ जाती है अपने रिलीजियस गोल पूरे करने की, एंड बिलीव मी अगर आप घर में अपने गैजेट्स और अपने खाने के साथ मशहूर हैं देन यू आर मोर ब्लेस्ड देन यू थिंक। डोंट रोइन इट, डोंट कंप्लेन कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, बिकॉज स्ट्रेस उन्हीं को होना है जिनका खुदा पर फेथ कमज़ोर है। तो आप फेथ मजबूत करेंगे तो जानेंगे कि सजा भी हो सकती है और रहमत का वसीला भी हो सकती है। देन इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपने किस कैटेगरी के अंदर भी फॉल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।